बदलाव प्रकृति का नियम है ये तो हमने कई बार सुना होगा, और देखा जाए तो बात सही भी है। पर यार कुछ लोग हैं जो इस बात को इतना सीरियसली लेते हैं कि जिन चीजों को बदलाव की कोई जरूरत नहीं वहां भी अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स करने से बाज ही नहीं आते। अब डोसा एक ऐसा फूड है जिसे हर इंडियन ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। वी आर फूडीज आपके सामने आज लेकर आया है एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, पर आज ये कुछ लोगों के बीच काफी फेमस हो रहा है। शुरुआत होती है एक नॉर्मल डोसे के बैटर को तवे पर फैलाकर, पर अब मौसम बिगड़ने वाला है क्योंकि ऐड होगा इसमें कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, साथ में नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और रेड चिली सॉस के साथ थोड़ी टमाटो सॉस, नारियल की चटनी, बटर और तंदूरी सॉस। यार हर चटनी और सॉस का ना अपना अलग अलग यूज होता है, लेकिन इस डिश में ये सब मिलाकर आपको कौन सा जादुई टेस्ट देने की कोशिश हो रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको पता हो तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बारी है पनीर के टुकड़े डालने की, जिसके साथ डाला जाएगा इसमें वो इंग्रेडिएंट जिसने पिछले कुछ सालों में हर फूड ब्लॉगर को डरावने सपने दिए होंगे, चीज। आजकल हर दूसरी डिश में हर दूसरा आदमी जी भर के चीज डालता है और उसे कुछ अनोखा बोलकर सेल करता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाएगा। मुझे तो इस डिश का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। ये डोसा सर्व किया जाएगा इसे बाल्टी के अंदर किसी ढाबे में मिलने वाली दाल मखनी की तरह, और अंदर इसमें इंग्रेडिएंट्स किसी पनीर पिज्जा के भरे हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप क्या नाम देना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी अपनी पसंद के नाम जरूर देते जाइएगा। अंदर का मसाला पक जाने के बाद उसे कुछ इस तरह एक बाल्टी में भर दिया जाएगा, और फिर डोसे को ऐसे चार स्लाइसेस में काट कर और फोल्ड कर उस बाल्टी में ही सजा दिया जाएगा। बाल्टी में पूरी सब्जी जा रही है भाई। ये इसका कटिंग हो गया। और अगर किसी को लग रहा था कि यार चीज थोड़ा कम डाला है, तो लीजिए ऊपर से और चीज आ गया। बस इसीलिए इसे बाल्टी डोसा कहते हैं, जिसका प्राइस एक नॉर्मल स्ट्रीट मसाला डोसा से 3 से 4 गुना ज्यादा है, पूरे 250 रुपए। अब इसे खाना है या नहीं ये तो आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को इसका स्वाद शायद पसंद भी आ जाए, पर मैं तो आज भी एक नॉर्मल आलू मसाला डोसा सांबर और चटनी के साथ ही खाना पसंद करूंगा। वी आर फूडीज जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। ये डोसा रेडी हो गया भाई अपना। हाँ। और चीज आ गई गाइस। तो भाई इसका प्राइस क्या पड़ता है? 250 बढ़िया है। और आपका शॉप का टाइमिंग? आपका टाइमिंग 3 से 12। और यहाँ का एड्रेस बता दोगे एक बार? मुलुन बेस MG रोड। तो गाइस अगर आप मुलुन विजिट कर रहे हो तो बाल्टी डोसा आप जरूर ट्राई करना।